हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मियाओ केयर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की टॉपिक है पर्शियन कैट और किटन को हेयर फॉल क्यों होते हैं अक्सर। तो आज की हमारी ये वीडियो खास किटन और कैट की हेयर फॉल पर होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको खास ये बताऊंगा कि अक्सर कैट और किटन को हेयर फॉल क्यों होता है। अगर आपके पास किटन है भी या फिर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है आपका। तो आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि किटन को हेयरफॉल क्यों होता है, क्या ये नेचुरल है या फिर नेचुरल नहीं है, तो क्या रीजंस हैं इसके बीच और क्या सॉल्यूशंस हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर रीजंस की बात करें तो क्या प्रॉब्लम है, कहीं आप लोगों ने भी देखा होगा कि किटन 2 या 3 महीने का होते ही उसके बाल अक्सर कहीं ज़्यादा झड़ने लगते हैं, इतने झड़ जाते हैं कि उसकी स्किन नज़र आना लग जाती है। इसकी पहली और एक बेसिक रीज़न है कि अपना बेबी कोट शेड करती है। बेबी कोट शेड करना यानी मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि इंसानों के बच्चों के दूध के दांत सर्टेन एज पे आने से झड़ने लगते हैं, ठीक ऐसे ही किटन्स के सर्टेन एज पे आने से बाल झड़ने लगते हैं। और यहाँ पर दूसरी बेसिक रीज़न ये है कि आप लोग इसके डाइट का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि 2 से 3 महीने का किटन ग्रोथ में रहता है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको प्रोटीन वाला फूड प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले आपको उसके डाइट का ख्याल रखना चाहिए। डाइट के अंदर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि होममेड फूड प्रोवाइड करें, जैसे कि बॉयल एग आ जाता है, बॉयल चिकन आता है। अगर आपकी किटन बीफ खाती है तो उसको बीफ प्रोवाइड करें क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो कोशिश करें कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दें क्योंकि इसकी एज एक ग्रोइंग पीरियड में होती है। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको उसे हर एक स्किन डिजीज से बचाना है, किसी भी किस्म की स्किन इन्फेक्शन ना हो उसे ख्याल रखें। अगर आप अपनी कैट को किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन से बचाना चाहते हो तो रेगुलरली उसको बाथ दें, मेडिकेटेड वाले शैम्पूज़ यूज़ करें। अभी तो बहुत सारे मेडिकेटेड शैम्पूज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और पायोडीन सल्फ़र यूज़ करें, पायोडीन सल्फ़र से बहुत सारे बेनिफिशियल्स हैं। जैसे कि अपनी कैट में कोई वूंड्स हैं तो पायोडीन सल्फ़र उसको सूखने में मदद करता है, और कोई जर्म्स हैं और कोई बैक्टीरियाज़ हैं तो उसको किल करने में मदद करता है। एक और मैं बेहद इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी अपनी कैट को बाथ देते हैं, नहलाते हैं, तो नहलाने के बाद उसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुखाएं और उसको ड्राइनेस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप उसको ड्राई नहीं करते, ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं नहलाने के बाद, तो उसमें कहीं ज़्यादा फंगस आने के चांसेस होते हैं और कहीं ज़्यादा स्किन इन्फेक्शंस आने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जब भी अपनी किटन या कैट को नहलाते हैं तो उससे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ड्राई करें। और तीसरी चीज़ यह है कि आप उसको डेली ब्रश करें और उसको डेली ग्रूमिंग करें ताकि उसके हेयर बॉल्स ना बने, ना तो उसके हेयर नॉट्स ना बने। क्योंकि अगर आप उसकी डेली ग्रूमिंग नहीं करते हो तो उसके बालों में हेयर नॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल का मसला खड़ा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं अपनी कैट्स को यूज़ करता हूँ, ये 2 ऐसे ब्रश आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इन ब्रशों को इस्तेमाल कर सकते हो ड्राइली ग्रूमिंग के लिए। ये वाला साइड नॉट्स निकालने के लिए काम आ जाता है और ये वाला साइड अपने कैट्स के डेड हेयर फॉल्स निकालने के लिए काम आ जाता है। और कहीं ज़्यादा ब्रशेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं मार्केट में ऐसे वाले, ये वाले भी नॉट्स के लिए काम आ जाते हैं और ये वाले अपने डेली ब्रशेस डेड हेयर फॉल्स के लिए काम आते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी कैट्स और किटन की डेली ग्रूमिंग करें ना, ताकि उसको हेयर फॉल ना हो। तो ये सब एक बेसिक रीज़न होती है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, इसको रेगुलरली बात करें, इसको रेगुलरली ग्रूमिंग करें और इसको अच्छे से अच्छा होममेड प्रोटीन वाला फूड प्रोवाइड करें। तो ये सब बेसिक रीज़न है, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके किटन के बाल और कैट के बाल झड़ना कम हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए शब्बा खैर, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।